नागिन और बाज की लड़ाई। एक जंगल में एक नागिन बड़े से पेड़ के तने में बिल बनाकर रहती थी। वो हमेशा सबकी मदद करती थी और सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करती थी, पर उसकी इस बात से उसका साथी नाग उससे बहुत ही चिढ़ता था। एक दिन नाग नागिन से कहता है, हम नाग नागिन है, हमें किसी से इतने प्यार से रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये सबकी मदद करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम खुद अपना ये व्यवहार बदल दो। नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदल सकती। और हाँ, मित्रता से हम सबका प्यार हासिल कर सकते हैं और इससे हमारी उम्र भी बढ़ती है। अगर तुम्हें भी अच्छी जिंदगी जीना है तो तुम भी सबसे मित्रता का व्यवहार करो। नाग नागिन की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है। नागिन वहाँ से जंगल घूमने चली जाती है। तब नाग मन ही मन सोचता है, अरे ये नागिन तो दिन ब दिन बड़ी जिद्दी हो रही है। इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बातों का जवाब दे, मैं इसे अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा। नाग मन ही मन नागिन से बदला लेने का सोचता है। नागिन जंगल में घूम रही थी कि तभी उसे किसी के कहारने की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ बढ़ती है, तब वो देखती है कि बाज खरगोश को नोच रहा है। तब जल्दी से नागिन बाज पर हमला करती है और कहती है, बाज छोड़ दे खरगोश को, तुम्हें उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आ गई मेरी दुश्मन, देख आज मैं बड़ा भूखा हूँ। भूख की वजह से मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, मेरे रास्ते में आकर मुझे और मत भड़का। बाज नागिन की बात नहीं सुनता। तब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाज भूखा था इसीलिए वो नागिन का सामना नहीं कर पाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। नागिन बाज की वजह से घायल हो चुकी थी। तभी खरगोश नागिन के पास आता है और कहता है, नागिन तुम ठीक तो हो ना? तुम हमेशा हमारे लिए इस बात से झगड़ा मोड़ लेती हो, आज तो तुम घायल भी हो गई। तुमने मुझे बचाया, मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नागिन तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। खरगोश जल्दी से जड़ी बूटी लाता है और नागिन के जख्मों पर लगाता है। नागिन का दर्द कम हो जाता है। तब नागिन कहती है, तुम जानवरों का प्यार ही मेरे लिए बहुत है, मैं ऐसा प्यार पाने के लिए कितने भी जख्म सहन कर सकती हूँ। खरगोश अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी चिंता मत करो। देखो बाज से सावधान रहना, मैं चलती हूँ। नागिन वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से नागिन बाज से सबको बचाती रहती थी। इस वजह से नागिन और बाज में दुश्मनी बढ़ती रहती है। इधर बाज भूखे होने की वजह से वो आग बबूला हो जाता है। बाज भी नागिन से बदला लेने का सोचता है। ये नागिन मुझे तो भूखा ही मार देगी, बस अब तो जिंदगी का एक ही मकसद है, नागिन को जान से मार देना। इधर नाग भी अपनी भूख मिटाने के लिए मुर्गी के घर के पास आता है। मुर्गी नाग को देखकर डर जाती है और नाग से विनती करती है, नाग मेरे बच्चों को कुछ मत करो, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, एक माँ की विनती स्वीकार करो नाग। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो भूखा रह जाऊंगा, पर चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम माँ बच्चों को एक साथ ही निगल लेता हूँ, ताकि तुम्हें ना बच्चों की चिंता रहेगी ना ही खुद की। मुर्गी बिचारी नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर नाग पर मुर्गी के रोने का कोई असर नहीं होता। नाग को पास आते देख मुर्गी अपने बच्चों को पास लाती है और कहती है, बच्चों अपनी माँ को माफ कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चों आज हम एक साथ इस दुनिया से अलविदा करते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को कसकर पकड़ लेती है। नाग मुर्गी पर हमला करता कि तभी वहाँ नागिन आती है और वो नाग को रोक लेती है। नाग तुम क्या कर रहे हो, उधर बाज और इधर तुम दोनों कब सुधरोगे? चले जाओ इस जंगल से, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ। नाग नागिन को देखकर बिना कुछ कहे गुस्से से चला जाता है। मुर्गी नागिन का धन्यवाद करती है, नागिन भी वहां से चली जाती है। नाग प्रतिशोध की आग में जल रहा था। दूसरे दिन नाग बाज के पास आता है और कहता है, बाज मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक है,
हम दोनों मिलकर उस नागिन को मार देंगे। फिर जंगल के आधे हिस्से पर तुम्हारा राज और आधे पर मेरा। अरे नागिन से मिलकर तुम कोई चाल तो नहीं कर रहे हो ना? क्योंकि सबको पता है कि नाग और बाज की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ सही कह रहे हो, पर मुझे बस अपना मतलब पूरा करना है और तुम्हें भी। हम दोनों का दुश्मन एक है, इसलिए हमें हाथ मिलाना सही रहेगा। नागिन हर बार मेरे रास्ते में आकर टांग अड़ाती रहती है। नाग और बाज नागिन को मारने के लिए एक हो जाते हैं। वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। तब बाज कहता है, नागिन बड़ा शौक है ना तुम्हें दूसरों की मदद करने का, कल देखते हैं कैसे खुद ही अपने जाल में फंसती हो। बाज और नाग दोनों हंसते हैं। दूसरे दिन नाग और बाज एक जगह पर नागिन के आने का इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों नागिन को आते देखते हैं। तब वो अपना नाटक शुरू करते हैं। बाज नाग पर हमला करता है। नाग मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब नागिन वहाँ भागते हुए आती है और बाज से कहती है, बाज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाग पर हमला करने की? नाग तुम घबराओ मत, आज मैं इस बाज को जान से ही मार दूंगी। नागिन को नाग और बाज घेर लेते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। नागिन उन दोनों का हंसना देखकर चकित हो जाती है। तब जाके नागिन को उन दोनों की चाल समझ आती है। नागिन अकेले बाज और नाग से लड़ने लगती है। नाग और बाज नागिन पर वार करते रहते हैं। नागिन घायल हो रही थी। ये सब बंदर देख लेता है और कहता है, बापरे नागिन तो खतरे में है। सबकी मदद करने वाली नागिन आज खतरे में, आज हमें उसकी मदद करनी होगी। चलो साथियों। बंदर आवाज करके अपने साथी बंदर को इकट्ठा करता है। अब सारे बंदर मिलकर नाग और बाज पर हमला बोल देते हैं। नाग और बाज घायल हो जाते हैं। तब बंदर की टोली उन दोनों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं और इस तरह से जंगल से नाग और बाज का खात्मा हो जाता है। गधे ने लिया शेर का रूप। एक दिन तो भी राजा के जिंदगी जीने का गधे का सपना था। उसने पत्तों से राजा का ताज बना लिया था और उसे पहनकर वो राजा का नाटक कर रहा था। वो कहता है, मैं इस जंगल का नया राजा हूँ, आप सबको मेरे आदेश का पालन करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी। इस तरह से गधा राजा बनने का नाटक कर रहा था, पर उसे ऐसे करते हुए हिरन देख लेती है। वो तुरंत शेर राजा के पास जाकर कहती है, महाराज आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें लगता है गधे का हाथ है। मैंने अभी अभी उसे राजा बनकर बातें करते हुए देखा है। नहीं हिरन, उस गधे की इतनी अकल कहाँ है कि वो मुझ पर हमला कर सके। पर हाँ, गधे की वजह से हम असली हमलेवार तक जरूर पहुँचेंगे। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। बस कुछ दिनों के लिए मैं जंगल से बाहर जा रहा हूँ और ये बात सभी में फैला दो। शेर हिरन को एक शेर की खाल का इंतजाम करने के लिए कहता है और उस खाल को ऐसी जगह पर रखने के लिए कहता है जहाँ गधा हमेशा आता जाता हो। राजा के कहे मुताबिक हिरन वैसे ही करती है। उसी दिन गधा जब जंगल में घूम रहा था कि उसे शेर की खाल मिल जाती है। तब वो सोचता है, आज का दिन बड़ा ही शुभ है, राजा कुछ दिनों के लिए जंगल में नहीं, ऐसे में मैं ही इस खाल को पहनकर जंगल का राजा बन जाता हूँ। गधा बड़ा ही खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी से शेर की खाल पहनकर शेर बन जाता है। पर तभी उसके सामने से कपटी बाघ आता है और वो कहता है, गधे मैंने सब देख लिया, मैं तुम्हारे इस नाटक में तुम्हारा साथ दूंगा, पर हाँ तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं जैसे कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो सबके सामने तेरा भेद खोल दूंगा। गधा डर के मारे बाघ की बात मान लेता है। गधा बाघ के साथ चलने लगता है। तब बाघ मन ही मन में सोचता है, कितने दिन से शेर को मारने की कोशिश कर रहा था पर नाकामयाब होता था, पर जब शेर वापस आएगा तो मैं उसे ही बहरूपिया बताऊंगा। सारे जानवर शेर को जंगल से निकाल देंगे और बाद में इस गधे के बच्चे को मैं, फिर तो बचा मैं ही एक जंगल का राजा। बाघ ने
पहले से ही राजा बनने का सारा प्लान बना चुका था। गधा शेर बनकर बाघ के साथ जंगल घूमने लगता है। हर कोई शेर को देखकर उसके सामने नतमस्तक होते थे। ये सब देखकर गधा बहुत ही खुश हो जाता है और वो बाघ से कहता है, अरे बाघ, शेर बनकर तो बड़ा मजा आ रहा है। देखो तो हर कोई मेरे सामने कैसे झुक रहे हैं। पर सुनो, गलती से भी अपनी जबान मत खोलना, नहीं तो आज जो सलाम कर रहे हैं ना, वो तुम्हें कल खूब पीटेंगे। गधा शेर की गुफा की तरफ जाता है तो उसे बीच में ही हिरन मिलती है और वो कहती है, महाराज, आप तो कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर गए थे ना, तो फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? शेर के कहने से पहले ही बाघ कहता है, मतलब वो राजा है, उनकी मर्जी, ज्यादा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ और महाराज के खाने का बंदोबस्त करो, मांस के साथ कुछ फल भी लेके आना, जाओ यहाँ से ही। तो मन ही मन उन दोनों पर हंसती रहती है क्योंकि उनका प्लान जो सफल हो रहा था। हिरन उन दोनों के लिए मांस और फल का इंतजाम करती है। गधा और बाघ खाना खाकर आराम करते रहते हैं कि तभी वहाँ असली शेर आता है। वो जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है जिस कारण गधा और बाघ जाग जाते हैं। उसी के साथ बाकी के जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तब असली शेर कहता है, प्रियो बहरुपिये, कौन हो तुम और यहाँ किसके कहने से आए हो? जल्दी बताओ, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। बहरुपिया, ये नहीं तुम हो। सुनो जानवरों, देखो ये बहरुपिया हमारे महाराज पर इल्जाम लगा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। आप सब मिलकर इसे मार मार कर जंगल से बाहर कर दो। बाघ धीरे से गधे को चुप रहने के लिए कहता है। सारे जानवर असली शेर को ही बहुरुपिया समझने लगते हैं। असली शेर को मारने के लिए सारे जानवर उसे घेर लेते हैं। तब गधे को अच्छा नहीं लगता, वो खुद ही खाल निकाल कर फेंक देता है और कहता है, अरे रुक जाओ, इस सब के पीछे ये बाघ ही है, यही हमारे असली शेर महाराज है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपना सपना जीना चाहता था, मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। मुझे पता है गधे, वो तो मैं अपने ऊपर होने वाले हमलावर को, इस जंगल के दुश्मनों को पकड़ना चाहता था, इसीलिए ये सब नाटक किया। बाघ, वो तुम ही हो ना जो बार बार मुझ पर हमला करते थे। बाघ का भांडा फूट चुका था, वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर सब जानवर मिलकर उसे खूब पीटते हैं और उसे जंगल के बाहर निकाल देते हैं। उधर शेर राजा गधे को एक दिन के लिए जंगल का राजा बनाता है। गधा राजा बनकर अपना सपना बहुत ही अच्छे से जीता है। उफरी नाम के एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो बड़ा ही धूर्त और लालची होता था। वो हमेशा शूरता और लीडरशिप का फायदा लेता था। उसके तीन सहयोगी थे जिसमें एक भेड़िया, एक बाघ और एक लकड़बग्घा रहता है। वैसे तो ये तीनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कभी अगर शिकार करे तो इनकी दोस्ती उस शिकार के लिए दुश्मनी बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बाघ, भेड़िया और लकड़बग्घा तीनों शिकार के लिए निकलते हैं। उसी वक्त राजा शेर भी शिकार के लिए उन्हीं के पास आता है। शेर राजा कहता है, मैं सवेरे से एक शिकार ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। जी हाँ महाराज, सवेरे से हमें भी कोई शिकार नहीं मिला, भूख के मारे तो पेट में दर्द हो रहा है। तभी थोड़ी देर में ही वहां पर किसी जानवर के आने की आहट होती है। बाघ कहता है, अरे सुनो, सभी जरा शांत रहो, कोई आहट हो रही है, लगता है कोई जानवर आ रहा है। अरे हाँ, उस तरफ से हिरन आ रहा है, यम्मी, आज तो टेस्टी शिकार खाने को मिलेगा। अरे ज्यादा मत चिल्लाओ वरना वो हिरन भाग जाएगा कि कोई यहाँ है। चारों बहुत खुश होकर उस हिरन का शिकार करते हैं और उस शेर राजा के ठिकाने पर हिस्सा बांटने के लिए ले जाते हैं। तभी लकड़बग्घा कहता है, उस हिरन के चार समान भाग होंगे जो हम सब में बटेंगे। तभी शेर राजा कहता है, अरे सुनो,
मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए इस हिरन का हिस्सा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। शेर राजा उस हिरन को चार समान हिस्सों में बांटता है। सभी बहुत ही खुश होते हैं कि अब उन्हें हिरन का नर्म नर्म मांस खाने को मिलेगा। लेकिन तभी शेर राजा कहता है, आप सबको पता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस नाते पहला हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। शेर राजा पहला हिस्सा खा लेता है। पहला हिस्सा राजा होने के नाते मैंने खा लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक शूरवीर भी हूँ, इसलिए दूसरा हिस्सा भी मुझे मिलना चाहिए। शेर राजा दूसरा हिस्सा भी खा लेता है। बाकी के तीनों उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर से राजा कहता है, मैं एक शूरवीर राजा होने के साथ साथ एक सबसे अच्छा मुखिया भी हूँ, जिसकी बदौलत आप तीनों ये शिकार कर पाए, इसलिए ये तीसरा हिस्सा भी मुझे ही मिलना चाहिए। शेर राजा तीसरा हिस्सा भी खा लेता है और कहता है, अब ये बचा हुआ जो हिस्सा है, ये जिसे चाहिए उसके लिए उसे मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, तभी ये उसे मिलेगा। बाघ कहता है, नहीं नहीं महाराज, हम आपको हरा नहीं सकते, तो ये हिस्सा भी आप ही ले लो। राजा जोर जोर से हंसता है और चौथा हिस्सा भी वो खा लेता है। तीनों जानवर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तीनों राजा पर बहुत नाराज रहते हैं और राजा को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। फिर ऐसे में ही एक दिन चारों हमेशा की तरह शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी शेर राजा एक जाल में फंस जाता है। शेर राजा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। लेकिन तभी भेड़िया, बाघ और लकड़बग्घा वहां पर आते हैं और कहते हैं, अरे आप तो एक राजा हो, आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है? जी हाँ राजा जी, आप तो राजा होने के साथ साथ एक शूरवीर भी हो, इसलिए आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है? सही कहा भेड़िए, ये तो इतने काबिल मुखिया है कि क्या बताऊं। सही कहा तुमने, इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर तीनों जानवर वहां से चले जाते हैं और धूत शेर चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ देता है। हुफरी नाम के एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो बड़ा ही धूर्त और लालची होता था। वो हमेशा शूरता और लीडरशिप का फायदा लेता था। उसके तीन सहयोगी थे, जिसमें एक भेड़िया, एक बाघ और एक लकड़बग्घा रहता है। वैसे तो ये तीनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कभी अगर शिकार करे तो इनकी दोस्ती उस शिकार के लिए दुश्मनी बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बाघ, भेड़िया और लकड़बग्घा तीनों शिकार के लिए निकलते हैं। उसी वक्त राजा शेर भी शिकार के लिए उन्हीं के पास आता है। शेर राजा कहता है, मैं सवेरे से एक शिकार ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। जी हाँ महाराज, सवेरे से हमें भी कोई शिकार नहीं मिला, भूख के मारे तो पेट में दर्द हो रहा है। तभी थोड़ी देर में ही वहां पर किसी जानवर के आने की आहट होती है। बाघ कहता है, अरे सुनो सभी जरा शांत रहो, कोई आहट हो रही है, लगता है कोई जानवर आ रहा है। अरे हाँ, उस तरफ से हिरन आ रहा है, यम्मी, आज तो टेस्टी शिकार खाने को मिलेगा। अरे ज्यादा मत चिल्लाओ, वरना वो हिरन भाग जाएगा कि कोई यहाँ है। चारों बहुत खुश होकर उस हिरन का शिकार करते हैं और उस शेर राजा के ठिकाने पर हिस्सा बांटने के लिए ले जाते हैं। तभी लकड़बग्घा कहता है, उस हिरन के चार समान भाग होंगे जो हम सब में बटेंगे। तभी शेर राजा कहता है, अरे सुनो, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए इस हिरन का हिस्सा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। शेर राजा उस हिरन को चार समान हिस्सों में बांटता है। सभी बहुत ही खुश होते हैं कि अब उन्हें हिरन का नर्म नर्म मांस खाने को मिलेगा। लेकिन तभी शेर राजा कहता है, आप सबको पता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस नाते पहला हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। शेर राजा पहला हिस्सा खा लेता है। पहला हिस्सा राजा होने के नाते मैंने खा लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक शूरवीर भी हूँ, इसलिए दूसरा हिस्सा भी मुझे मिलना चाहिए।
शेर राजा दूसरा हिस्सा भी खा लेता है। बाकी के तीनों उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर से राजा कहता है, मैं एक शूरवीर राजा होने के साथ साथ एक सबसे अच्छा मुखिया भी हूँ, जिसकी बदौलत आप तीनों ये शिकार कर पाए, इसलिए ये तीसरा हिस्सा भी मुझे ही मिलना चाहिए। शेर राजा तीसरा हिस्सा भी खा लेता है और कहता है, अब ये बचा हुआ जो हिस्सा है, ये जिसे चाहिए उसके लिए उसे मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, तभी ये उसे मिलेगा। बाघ कहता है, नहीं नहीं महाराज, हम आपको हरा नहीं सकते, तो ये हिस्सा भी आप ही ले लो। राजा जोर जोर से हंसता है और चौथा हिस्सा भी वो खा लेता है। तीनों जानवर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तीनों राजा पर बहुत नाराज रहते हैं और राजा को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। फिर ऐसे में ही एक दिन चारों हमेशा की तरह शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी शेर राजा एक जाल में फंस जाता है। शेर राजा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। लेकिन तभी भेड़िया, बाघ और लकड़बग्घा वहां पर आते हैं और कहते हैं, अरे आप तो एक राजा हो, आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है? जी हाँ राजा जी, आप तो राजा होने के साथ साथ एक शूरवीर भी हो, इसलिए आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है? सही कहा भेड़िए, ये तो इतने काबिल मुखिया है कि क्या बताऊं। सही कहा तुमने, इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर तीनों जानवर वहां से चले जाते हैं और धूर्त शेर चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ देते।